अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, हाउ आर यू सेवन क्लास? कैसे हैं आप लोग सर? आई होप यू विल फाइन इन योर होम। ओके सेवन क्लास, जैसा कि आज हमारा फोर्थ लेक्चर स्टार्ट है, वो है गज़वा हुनैन। क्या है गज़वा हुनैन? ठीक है, क्लास सेवन हम लोगों ने पहले थर्ड लेक्चर कवर कर लिए हैं, इस्लाम में इबादत का सफ़र, ठीक है, और फतह मक्का, ठीक है, और इस्लाम में नबी पर ईमान आना, सब हमने वो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। कितने लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं? थ्री लेक्चर, ठीक है ना। रसूलों पर ईमान है, इस्लाम में इबादत का सफ़र है, और है फतह मक्का। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है गज़वा हुनैन। कौन सा है? गज़वा हुनैन। तो नाउ लेट्स रीड गज़वा हुनैन। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे गज़वा हुनैन की, ठीक है। मैं ज़्यादा आपको कुछ मिनट में रीडिंग स्टार्ट करवाऊँगी, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगी, ठीक है। हुनैन मक्का मुकरमा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है, ठीक है। मैं पहले आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि गज़वा हुनैन क्या था। गज़वा हुनैन एक आबादी थी, ठीक है, जहाँ पर वो कबीले रहते थे दो, ठीक है, बनू हज़ान और सकीफ, ठीक है, जो ताकतवर थे और वो सलाम पर गलत पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना। तो फिर आप सलम ने सबक्राम के साथ मिलकर इस वादी पर हमला आवर हुए थे, ठीक है। फिर आप सलम ने इधर हमला किया था, आप गज़वा हुनैन में आप लोग आपको फतह हुई थी, ठीक है, और आप बहुत से मुसलमानों पर वो मुसलमान ईमान ले आए थे, ठीक है। और गज़वा हुनैन में जो हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने ज़ाहरी असबाब पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मदद से तलब करनी चाहिए, ठीक है, और शुजात और बहादुरी के साथ जंग में उतरना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्लास सेवन। हुनैन मक्का मुकरमा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है, यहाँ पर मौजूद कबीले हवाज़न और सकेफ अपने आप को ताकतवर और बहादुर समझते थे और इस्लाम का गलबा पसंद नहीं करते थे। इन दो कबाइल के साथ देकर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए। जब मक्का फतह हुआ था, ये कबीले इस्लाम कबूल करने की बजाय मक्का पर हमले की तैयारी करने लगे। बनू हज़ान का सरदार मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के मवेशी माल बच्चे और ख़वातीन भी जंग में साथ ले आया, ठीक है ना। वो बनू हज़ार का सरदार था, मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के माल मवेशी बच्चे और ख़वातीन भी मैदान जंग में साथ ले आए। हालांकि जंग में जब लोग जाते हैं अपने बच्चे और ख़वातीन वगैरह घर में छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो उनको भी साथ ले आया, ठीक है। इन कबाइल के जंगजू मर्दानगी से लड़ेंगे, ठीक है, और इसलिए लेके आया था कि इन कबाइल के जंगजू मर्दानगी से लड़ेंगे, उनको पता होगा कि हमारे घर वाले हमारे पास हैं, ठीक है। ये तमाम कबाइल वादी उतास में खैमा जन हुए। उतास की वादी किसके करीब वाक़ है? हुनैन के करीब वाक़ है। आगे देखें जो हमारा नेक्स्ट हमारे टॉपिक है, वह है इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेशकदमी। 6 शवाल 8 हिजरी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए। 12,000 अफराद का लश्कर आप सल्लम के साथ था। 10,000 वो जो फतह मक्का के लिए आप सल्लम के हमद शरीफ लाए, और वो 2,000 वो जो जिनमें अक्सरियत नौ मुस्लिमों की थी। मुसलमानों में से बाद लोगों ने लश्कर की कसरत देकर कहा कि हम आज हरगिज़ मकलूब नहीं हो सकते। ये बात सुना पर घरा गुजरी, ठीक है। लोगों ने जब मुसलमानों से बाद लोगों ने लश्कर देखा कि बहुत ज़्यादा दार में, तो वो अपनी हिम्मत हार गए कि हम आप तो इन पर मुकाबला नहीं करेंगे। तो आप सबको ये बात बहुत बुरी लगी। सैम लश्कर रात के वक्त वादी हुनैन पहुँचा। मालिक बिन औफ पहले ही वह लश्कर इस वादी में उतार कर मुख्तलिफ जगहों पर फैला चुका था। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे, उन्हें पता नहीं था कि दुश्मन भी आ चुका है, ठीक है ना। मुसलमान आगे बढ़े तो बनू हज़ान के जंगजुओं ने अचानक मुसलमान पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक हमले से मुसलमान संभल ना सके, ठीक है ना। इनमें ऐसी बगदर मची कि किसी की तरफ देख नहीं रहा था, हर तरफ अफरा तफरी का समा था। इस शदीद बगदर में रसूल सल्लम इस्तकामत का पहाड़ बन रहे। अब सल्लम का रुख कुफार की जानिब था, और अब सल्लम आगे बढ़ते हुए फरमा रहे थे, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, ठीक है ना। नाउ स्टार्ट नाउ रीड नेक्स्ट पेज। आप सलम ने अपने चाचा हज अब्बास सदरों को हुक्म दिया कि वो सहाबाकरम इतरों को बुलाएं। हज अब्बास की और इतराना की आवाज़ बहुत बुलंद थी। हज अब्बास ने आवाज़ दी बेहतर जवान वालों के, जिन लोगों ने अपने फतह मक्का में, मैंने आपको बताया था कि लोग बैत की थी, ठीक है, उसको बेहतर जवान कहते हैं। और बैत कहाँ की ऐसे की थी कि हम जान कुर्बान कर देंगे और मैदान जंग नहीं छोड़ रहे थे। तो आप जब हजर अब्बास इतराना ने आवाज़ दी बेहतर जवान वालों कहाँ हों, ये आवाज़ सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े, लड़ाई शुरू हो गई। जब मुसलमान में एक जज्बा आ गया कि उनको वो वाकिया याद आ गया, जब हमने बैत की तब भी हमें फतह ही हासिल होगी, तो हम अब भी लड़ेंगे, जंग शुरू करेंगे। फिर आपने मुट्ठी पर मिट्टी लेकर दुश्मन की तरफ फेंकी। ये मिट्टी इस तरह फैले कि दुश्मन का कोई आदमी ऐसा ना था जिसकी आँख इससे बरना गई हो, ठीक है। इस तरह दुश्मन की कब्र टूट चली गई। दुश्मन की बाजिया शिकस्त, थोड़ी ही देर दुश्मन को बाज़ शिकस्त हुई। बन सकेफ के 70 आदमी मारे गए। इनके मार हथियार ख़वातीन और बच्चे मुसलमानों के हाथ बतौरे माले गनीमत आए। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, खुदा ने बहुत से कौमों पर तुमको मदद दी
और जंग के दिन और जंग हुनैन के दिन जब तुम पर कोई अपने जमात के स्तर पर गुजरा था तो तुम्हारे कुछ काम ना आई और ज़मीन बावजूद इतनी बड़ी फ्राही के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए। फिर खुदा ने अपने पैगम्बरों मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफरों को अजाब दिया। और कुफर करने वालों को यही सजा है। गज़वे हुनैन से हमें यह सबक मिलता है कि हमें ज़ाहिर इस बात पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। ठीक है, शजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए, हर हालत में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा तवक्कुल करना चाहिए। ओके क्लास सेवन हमारी डिटी कम्प्लीट हुई। अब देखें गज़वे हुनैन से हमें जो सबक मिलता है वो क्या है कि हमें अपने वो जो जंगी सामान होता है उस पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि हमारे पास बहुत तादाद में है तो हम बहुत अच्छे से लड़ सकेंगे। नहीं, हमें अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए और शजाअत और बहादुरी के साथ मैदान जंग में उतरना चाहिए और हर हालत में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा तवक्कुल करना चाहिए और किसी की ज़ात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके क्लास सेवन आज हमारी डिटी स्टार्ट हुई।